हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंजॉय कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले, वह भी सिर्फ दूध से। मैंने इसमें ना मैदा डाला है ना कॉर्नफ्लावर डाला है, इसलिए हम इसे उपवास के दिन भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को गर्म करना है। यह मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है। इसे हम पहले उबाल लेंगे और फिर 10 मिनट ठंडा करेंगे। दूध में उबाल आ रहा है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, मैं गैस बंद कर दूंगी और फिर 10 मिनट इसे ठंडा करेंगे। ओके, जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है, हम नींबू का फल तैयार कर लेते हैं। नींबू का फूल मतलब, या तो आप एक नींबू ले लीजिए, या मैंने यह नींबू का फूल लिया है। इसे मुझे पानी में डाल के डिजॉल्व करना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप एक नींबू से भी कर सकते हैं, या यह नींबू का फूल, इसे साइट्रिक एसिड कहते हैं, इसे भी अच्छे से पानी में मिला लीजिए। फिर इससे भी दूध फट जाता है। यह हमारा दूध 80% गर्म है, मतलब अभी 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमें दूध 80% ही गर्म चाहिए, पूरा गर्म नहीं चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे यह नींबू का पानी, नींबू के फूल का पानी। यह हमें ग्रेजुअली डालना है, धीरे धीरे डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। ये हमारा दूध फटने वाला ही है, इसीलिए हम पूरा एक साथ में नहीं डालते, क्योंकि पूरा एक साथ में डाल देंगे तो नींबू का फूल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा रसगुल्ला कड़क हो जाएगा, हमारा पनीर कड़क हो जाएगा। इसलिए हमें जितना ज़रूरी है ना, उतना ही नींबू का फूल या नींबू रस डालना है। ये देखिए, हमारा दूध फट गया है। अब हम इसमें और नहीं डालेंगे। ओके, अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास ठंडा पानी, मतलब या तो फ्रिज का पानी भी डाल सकते हैं या मटके का पानी भी डाल सकते हैं। ओके, ठंडा पानी डालते ही यह ठंडा हो जाता है, इससे इसका आगे का प्रोसेस रुक जाता है, नहीं तो पनीर कड़क हो जाएगा। हमें पनीर को सॉफ्ट रखना है, इसलिए हमने इसमें ठंडा पानी डाला है। अब हम इसे एक कॉटन का कपड़ा लगा के स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें और ठंडा पानी डालेंगे ताकि यह पनीर अच्छे से धुल जाए, इसमें से खटाई निकल जाए। अब हम इस कपड़े के चारों कॉर्नर पकड़कर बांध देंगे। यह मैंने चारों कॉर्नर पकड़कर कपड़े को बांध दिया है। थोड़ा सा स्क्वीज करना है, थोड़ा सा ही इसे दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो पनीर कड़क हो जाता है। अब हम इस पर वजन रख देंगे। यह देखिए, मैंने इस पर वजन रख दिया है। अब हम आधा घंटा तक इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि अनवांटेड पानी, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी है पनीर में से, वह सब निकल जाए। ठीक है, अब एक कढ़ाई में हम 3 भाग पानी लेंगे और 1 भाग शक्कर लेंगे। मैंने इसमें 1 बड़ा बाउल शक्कर का डाला है और 3 बाउल पानी का डाला है। आप चाहे तो शक्कर 1.5 बाउल भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो, नहीं तो अगर आप नॉर्मल खाते हो तो यह रेशियो बराबर है। अब हम पानी को गैस पर रख दिया है तो इसे ऑन कर देंगे, और पानी को बॉईल होना बहुत ज़रूरी है। यह गैस मैंने ऑन कर दिया है, शक्कर पिघल जाएगी, पानी उबलने लग जाएगा, तब हम इसमें रसगुल्ला डालेंगे। यह हमारा आधा घंटा हो गया है। अब हम इस वजन को हटा देंगे और इस पनीर को प्लेट में निकाल लेते हैं। यह देखिए,
पनीर एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसे मैश करेंगे, हथेली से मैश करेंगे। यह देखिए, यह मैं मैश करना शुरू कर दिया है। आपको इसे ऐसे ही मैश करना है। एक बार ऐसे होने के बाद में हमें हमारी हथेलियों को यूज़ करना है। यह मुझे हथेलियों से इसे दबाना है। यह मैं इसे अच्छे से मैश करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे रसगुल्ले स्पॉन्जी बनते हैं। जब यह घी छोड़ना शुरू कर देंगे ना, जब यह पनीर घी छोड़ना शुरू कर देगा, तब हमें समझ जाएगा यह प्लेट पे चिपकेगा नहीं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मैदा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यह व्रत के लिए बना रही हूँ। अभी हमारा पनीर प्लेट छोड़ने लग गया है, इसका मतलब यह तैयार हो गया है। 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मैश किया है, इसमें तो कोई भी दाना वगैरह नहीं रहना चाहिए। ओके, ये हमारा पनीर तैयार हो गया है। देखिए कितना घी छोड़ा है दूध ने। अब हम इसके जितने आपको छोटे बड़े जैसे भी गोले चाहिए वैसे बना लीजिए। फिर जैसे ही पानी में बॉल आएगा वैसे हम उसमें डालेंगे। ये देखिए, मैंने सभी रसगुल्ले छोटे छोटे तैयार कर लिए। जब ये बॉईल होंगे ना, एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। अभी छोटे दिख रहे हैं। ये मैंने बनाए हैं 21 रसगुल्ले, क्योंकि मैं ये भोग के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो ये 1.25 लीटर दूध इसीलिए मैंने लिया है, भोग के लिए। तो ये इसे 21 रसगुल्ले बन रहे। ये पानी बॉईल हो गया है, तो हम इसमें एक एक करके रसगुल्ले डाल देंगे। कोशिश करें कि थोड़ा छोटा बर्तन ले, जिसे रसगुल्ले गोल ही रहे, नहीं तो चपटे हो जाते हैं। अब हम इसे 12 मिनट तक बॉईल होने देंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट तक। इसे हमको कवर कर देना है। कवर करते समय ध्यान रखें थोड़ा सा खुला रहे, नहीं तो पानी बाहर झलक जाएगा। ये 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, जिससे प्रेशर बना रहे पानी का। और अब इसे फिर से कवर कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अभी ढक्कन हटा दिया है। अब टोटल मिलाकर 10 मिनट हो गए। देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए। हम इसे 2 मिनट और पकने देंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। ये देखो हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए। मैंने गैस बंद कर दिया है। देखो ये एक तो थोड़ा सा फट भी गया, थोड़ा सा, लेकिन हमारे रसगुल्ले पूरी तरह से फूल गए हैं और तैयार हो गए हैं। यह देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर एक एक करके दूसरे बाउल में निकालेंगे और फिर चाशनी डालेंगे, नहीं तो हमारे रसगुल्ले टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। मैंने इन्हें बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इन्हें फ्रिज में रखने जा रही हूँ। फ्रिज में रखने से यह और भी थोड़ा ग्रिप ले लेंगे और सॉफ्ट और स्पंजी बन जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कितने सॉफ्ट बने हमारे रसगुल्ले, देखिए। ओके, तो आप भी इसी तरह इसी प्रोसेस से रसगुल्ले ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।